बिस्मिल्लाह रहमान रहीम, अस्सलाम वालेकुम डियर स्टूडेंट्स। फंडामेंटल ऑफ कंप्यूटर्स में आज का हमारा जो टॉपिक ऑफ डिस्कशन है वो है बसेस एंड इट्स टाइप्स। तो आइए स्टार्ट करते हैं। जैसे कि आपको पीछे के लेक्चर्स में बताया जा चुका है कि सेंट्रल प्रोसेसिंग यूनिट के फाइव बेसिक कंपोनेंट्स हैं, जिनमें कंट्रोल यूनिट, अरिथमेटिक एंड लॉजिकल यूनिट, रजिस्टर्स, कैश मेमोरी एंड इन द लास्ट बट नॉट द लीस्ट बसेस शामिल हैं। जब ये तमाम पांच कंपोनेंट्स मिलकर काम करते हैं तो बुनियादी तौर पे हम कंप्यूटर्स का जो ओवरऑल ऑब्जेक्टिव है, जो इंफॉर्मेशन प्रोसेसिंग है, उसको हम अचीव कर सकते हैं। आज के इस लेक्चर में हमारा फोकस बसेस पर होगा कि बसेस क्या है, उनको किन मकसद के लिए यूटिलाइज किया जाता है और कौन कौन सी टाइप्स की बसेस एग्जिस्ट करती हैं हमारे पास। स्टूडेंट्स, कंप्यूटर्स में बसेस के कॉन्सेप्ट और उनकी यूटिलाइजेशन को समझने के लिए हमें रियल लाइफ में यूज होने वाली बसेस के कॉन्सेप्ट को कंसीडर करना पड़ेगा। रियल लाइफ में बसेस का काम पैसेंजर्स को ट्रांसपोर्टेशन की सर्विसेज प्रोवाइड करना होता है और यही कॉन्सेप्ट कंप्यूटर्स में भी इम्प्लीमेंट किया गया है। कंप्यूटर बस का काम भी ट्रांसमिशन की सर्विस प्रोवाइड करना है, लेकिन यहाँ पे पैसेंजर्स ह्यूमन बीइंग्स नहीं है, बल्कि डेटा, इंस्ट्रक्शन, एड्रेसेस और कंट्रोल सिग्नल्स को ट्रांसमिशन प्रोवाइड करना कंप्यूटर बसेस का काम है। यहाँ ये बात काबिले जिक्र है कि इस ट्रांसमिशन के एक एंड पे आपका प्रोसेसर है और दूसरे एंड पे अदर कंपोनेंट्स ऑफ कंप्यूटर हैं। तो ये ट्रांसमिशन ऑफ डेटा, इंस्ट्रक्शंस, कंट्रोल सिग्नल एंड एड्रेसेस जो है वो बुनियादी तौर पे प्रोसेसर और अदर पार्ट्स ऑफ कंप्यूटर के दरमियान परफॉर्म की जाती है, एंड दैट इज दी रिस्पॉन्सिबिलिटी ऑफ दी बसेस। अगर बसेस के टाइप्स की बात की जाए तो हमारे पास तीन टाइप्स की बसेस एग्जिस्ट करती हैं, जिसमें एड्रेस बस, डेटा बस और कंट्रोल बस शामिल है। बकाया लेक्चर में हम इन तमाम टाइप्स ऑफ बसेस की डिफरेंस को समझेंगे और इनकी यूटिलाइजेशन को अंडरस्टैंड करेंगे। सबसे पहले हम बात करते हैं एड्रेस बस की। एड्रेस बस एक यूनी डायरेक्शनल बस है जो प्रोसेसर और जो हमारी अदर कंपोनेंट्स हैं, फॉर एग्जांपल मेन मेमोरी या फिर हमारे पास जो इनपुट आउटपुट डिवाइसेस हैं, उनके दरमियान एड्रेस की ट्रांसमिशन के लिए यूज की जाती है। ये याद रखिएगा कि क्योंकि ये यूनी डायरेक्शनल बस है तो ये सिर्फ एक ही डायरेक्शन में एड्रेस को ट्रांसफर कर सकती है, और वो डायरेक्शन है फ्रॉम प्रोसेसर टू मेन मेमोरी और इनपुट आउटपुट डिवाइसेस। प्रोसेसर को जब भी कोई डाटा की जरूरत होती है, फॉर एग्जांपल अगर हम मेन मेमोरी को ले लें, तो मेन मेमोरी के अंदर डिफरेंट लोकेशंस एग्जिस्ट करती हैं। हर लोकेशन का अपना एक यूनिक एड्रेस होता है और उस एड्रेस पर कोई डाटा पड़ा होता है। तो जब भी प्रोसेसर को एक पर्टिकुलर एड्रेस से डाटा पिक करना होगा तो वो एड्रेस बस पे वो एड्रेस इशू करता है। वो एड्रेस जो है ऑन द अदर साइड ऑफ द बस आपकी मेन मेमोरी को रिसीव होता है और उस पर्टिकुलर एड्रेस पर से डाटा पिक करके रिटर्न कर दिया जाता है। आइए बात करते हैं डाटा बस की। डाटा बस एक बाई डायरेक्शनल बस है जो कि डाटा की ट्रांसमिशन के लिए यूज होती है बिटवीन प्रोसेसर एंड अदर कॉम्पोनेंट्स। हम एक दफा फिर एग्जाम्पल ले लेते हैं मेन मेमोरी की। इन केस अगर प्रोसेसर को मेन मेमोरी में कोई डाटा सेंड करना है, ठीक है, तो इस सिचुएशन में सेंडर आपका प्रोसेसर होगा और रिसीवर आपके मेन मेमोरी होगी। या फिर जैसे कि हमने एड्रेस बस को एक्सप्लेन करते वक्त बताया था कि जब भी प्रोसेसर को मेन मेमोरी से कोई डाटा पिक करना होता है तो वो उस डाटा की लोकेशन का एड्रेस यूजिंग एड्रेस बस सेंड करता है, जिसके रिस्पॉन्स में मेन मेमोरी उस एड्रेस पर से डाटा को पिक करके वापस प्रोसेसर की तरफ उस डाटा को सेंड कर देती है। तो वो डाटा की जो ट्रांसमिशन है वो डाटा बस के थ्रू की जाती है। तो इस दफा अगर आप इस सिचुएशन में देख लें तो आपका सेंडर मेन मेमोरी है और आपकी रिसीवर प्रोसेसर है। तो दैट इज वाई इट इज सेट अप बाई डायरेक्शनली बस, के यहाँ पर जो है दोनों डायरेक्शन में फ्रॉम प्रोसेसर टू अदर कंपोनेंट और फ्रॉम अदर कंपोनेंट टू प्रोसेसर डेटा की ट्रांसमिशन की जा सकती है। आइए अब बात करते हैं कंट्रोल बस की। कंट्रोल बस एक यूनी डायरेक्शनल बस है जो कि प्रोसेसर की जानिब से कंट्रोल सिग्नल की ट्रांसमिशन के लिए यूज की जाती है, क्योंकि कंट्रोल सिग्नल्स
इशू करने की अहलियत सिर्फ प्रोसेसर के पास है, दैट इज़ वाई इट इज़ अ यूनिडायरेक्शनल बस। वैसे तो कंट्रोल सिग्नल्स डिफरेंट टाइप के होते हैं, लेकिन मैं आपको रीड एंड राइट कंट्रोल सिग्नल की एग्जांपल देता हूँ। फॉर एग्जांपल, अगर हम पीछे चले जाएं और हम एड्रेस बस की बात करें, तो हमने कहा कि एड्रेस बस पे प्रोसेसर की जानिब से किसी भी मेमोरी लोकेशन का एड्रेस भेजा जाता है। अब अगर हम बात करें फॉर एग्ज़ाम्पल रैम की, तो रैम को जब एड्रेस बस पे कोई एड्रेस रिसीव होता है, तो उस एड्रेस पर क्या डाटा को रीड करना है या उस डाटा एड्रेस पर किसी डाटा को राइट करना है, ये कैसे पता चलेगा? इसके लिए कंट्रोल सिग्नल्स की ज़रूरत होती है। कंट्रोल सिग्नल में अगर रीड का कमांड जो है या रीड का सिग्नल जो है वो इशू किया गया है, तो इसका मतलब है कि जो एड्रेस एड्रेस बस पर प्रोसेसर की जानिब से रिसीव किया गया है, उस एड्रेस पर जाकर वहाँ से उस लोकेशन पे डाटा को रीड करके वापस प्रोसेसर को रिटर्न करना है। और अगर कंट्रोल बस पर राइट सिग्नल जो है वो इशू किया गया है, तो इसका मतलब है कि जो एड्रेस रिसीव किया गया है एड्रेस बस के थ्रू, उस पर कुछ डाटा राइट करना है जो कि डाटा बस पर प्रोसेसर की जानिब से भेजा गया होगा। स्लाइड्स के एंड में आपको एक कंपैरिजन दिया जा रहा है एड्रेस बस, कंट्रोल बस और डाटा बस के बीच में। सबसे पहले आपको बताया जा रहा है कि एड्रेस बस जो है वो बुनियादी तौर पे एक कनेक्शन प्रोवाइड करती है या एक पाथवे प्रोवाइड करती है प्रोसेसर और मेन मेमोरी के दरमियान। इसके अलावा जो कंट्रोल बस है वो एक पाथवे या एक आपको ट्रांसपोर्टेशन वे प्रोवाइड करती है बिटवीन सीपीयू एंड अदर डिवाइसेस विद द कंप्यूटर, ठीक है। और डाटा बस जो है वो भी आपको एक कम्युनिकेशन पाथवे प्रोवाइड करती है बिटवीन सीपीयू, मेमोरी एंड जो और हमारे पास पेरिफेरल इनपुट एंड आउटपुट डिवाइसेस हैं, ठीक है। सो बुनियादी तौर पे आपको स्टार्ट में बताया गया था कि ये जो पाथवे प्रोवाइड किया जा रहा है बस की फॉर्म में, ये बिटवीन प्रोसेसर एंड अदर कंपोनेंट्स ऑफ द कंप्यूटर है, ठीक है। तो वो इस चीज़ से कंफर्म हो रहा है। सबसे इंपॉर्टेंट चीज़ पर्पस, किस पर्पस के लिए यूज होती है, तो ये आपकी एक रिविजन है कि जो एड्रेस बस का पर्पस है वो किसी भी मेन मेमोरी की लोकेशन जहाँ पे हमने या तो डाटा स्टोर करना है या वहाँ से डाटा को रीड करके प्रोसेसर तक लाना है, तो उस लोकेशन का एड्रेस पड़ा होता है और वही कैरी किया जाता है। जहाँ तक कंट्रोल बस की बात है, तो कंट्रोल बस बुनियादी तौर पे हमारे पास कंट्रोल सिग्नल्स इशू करने के लिए यूज़ होती है, और मैं आपको कंट्रोल सिग्नल्स में रीड एंड राइट सिग्नल की एग्जांपल जो है वो पिछली स्लाइड में देख चुका हूँ। जबकि जहाँ तक डेटा बस की बात है, तो जैसे आपको बताया कि इट्स अ बाई डायरेक्शनल बस, तो चाहे वो प्रोसेसर की जानिब से डेटा भेजा जा रहा हो मेन मेमोरी में या आईओ मॉड्यूल को, या फिर आपके प्रोसेसर को डेटा भेजा जा रहा हो, तो जो आपका एक्चुअल कंटेंट्स होते हैं डेटा के वो ट्रेवल करते हैं यूजिंग दी डेटा बस, ठीक है। सो उसके बाद जो है वो एक एग्जांपल गिवन है, पहले एड्रेस बस की एग्जांपल को देख लेते हैं। जहां तक एड्रेस बस की बात है, तो आपका जो एड्रेस एड्रेस बस में इशू किया जाता है उसकी नंबर ऑफ बिट्स काउंट करके आप बता सकते हैं कि टोटल आपके पास कितनी एड्रेसेबल मेमोरी लोकेशंस हैं मेन मेमोरी में। फॉर एग्जाम्पल, अगर आपका एड्रेस 2 बिट्स का है, तो इसके लिए जो फॉर्मूला है वो है 2^2, तो इसका मतलब है कि आपके पास मेमोरी जो टोटल मेमोरी लोकेशंस हैं वो 4 हैं। अगर आपका एड्रेस 3 बिट्स का है, तो 2^3, तो इसका मतलब है कि आपके पास टोटल मेमोरी लोकेशंस जो हैं वो 8 हैं, ठीक है। तो इसी तरीके से आपको बताया जा रहा है कि अगर आपके पास जो मेन मेमोरी है वो 64 GB की है, तो इसका मतलब है कि आपका जो एड्रेस है मेमोरी लोकेशंस का वो 36 बिट्स का होगा, ठीक है, या जिनको 36 लाइंस भी कहा जाता है। इसी तरीके से कंट्रोल बस की बात करें, तो हमने कहा अच्छा यहाँ पे लाइंस का जिक्र हो रहा है ना, तो ये बिल्कुल लाइंस जो है आप इनको वायर्स के साथ समझें, कि जिस तरह हमारे पास एक केबल के अंदर मल्टीपल वायर्स होती है ना, इसी तरह बस के अंदर मल्टीपल लाइंस होती है हमारे पास, ठीक है। तो यहाँ पर बताया जा रहा है कि नॉर्मली एक लाइन जो है बस की वो रिजर्व की जाती है कंट्रोल बस के लिए या कंट्रोल सिग्नल्स के लिए, जिस पे रीड राइट सिग्नल्स की को ट्रांसफर किया जाता है, जैसे मैं आपको पहले बता चुका हूँ। और थर्ड वन जो है वो है डेटा बस, ठीक है। द नंबर ऑफ वायर्स डिटरमाइन द स्पीड ऑफ डेटा ट्रैवलिंग, कि जितनी वायर्स हैं इसके अंदर डेटा बस के अंदर, उतना ज़्यादा डेटा जो है वो आप एक वक्त में ट्रांसफर कर सकते हैं। फॉर एग्जाम्पल, अगर आपके पास 8 वायर्स हैं डेटा बस के अंदर, तो आप 8 बिट्स ऑफ डेटा जो है वो साइमल्टेनियसली ट्रांसफर कर सकते हैं। थैंक यू।